आ जाओ सर फटाफट से मेरे साथ कारो 2020 खत्म कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, फालतू में लोग डरते रहते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, मेरे साथ साथ ही आज आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में खत्म हो जाएगा। सर कारो 2020 बोले तो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। सर एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता दो, ये एप्लीकेबल है ऑल कंपनीज को इंक्लूडिंग फॉरन कंपनीज। सर नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता दो, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस अप टू 1 करोड़ है, एंड टोटल बोरोइंग्स अप टू 1 करोड़ है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एंड टोटल रेवेन्यू अप टू 10 करोड़ है। ठीक है सर, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ये बैलेंस शीट का आइटम है तो हमको लेना है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, टोटल रेवेन्यू पीएनएल का आइटम है तो हमको लेना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और टोटल बोरोइंग्स हमको लेना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि साल भर में कभी भी अगर टोटल बोरोइंग्स मेरी 1 करोड़ तक है तो मेरे को क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, मेरे को कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सर एक खास बात देख लेना, एंड यानी कि सारी कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, 1-1-10 ऐसे याद रखना है, 1-1-10। ठीक है सर, कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम पे। सर 21 क्लॉजेज है हमारे पास जिसका नाम और नंबर टोटली इरेलेवेंट है। ठीक है, यानी हमें ऐसे याद नहीं रखना कि पहला क्लॉज फिक्स्ड एसेट्स का और सेकंड क्लॉज इन्वेंटरी का वगैरह। सर फिक्स्ड एसेट्स की बात करता हूँ, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गई। सर देखना है कि क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन है क्या DQS के, DQS मतलब कि डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी एंड डिटेल्स ऑफ सिचुएशन। फिर हमको देखना है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है रेगुलर इंटरवल पे। फिर हमको देखना है कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, और अगर तो है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, वो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है यानी कि जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, कंपनी के पास उसके कागजात है या नहीं, उसकी टाइटल डीड्स है या नहीं, यानी कि वो टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है या नहीं, और अगर तो कंपनी लेसी होगी ना तो ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तो कंपनी ने लीज पे ले रखा है ना वो, तो कंपनी के नाम पे टाइटल डीड्स नहीं होने वाली। ठीक है, टाइटल डीड्स अगर कंपनी के नाम पे नहीं है ना सर, खाली समझते जाने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि चलो मेरे को फर्स्ट क्लॉज समझाओ सेकंड क्लॉज समझाओ। सर समझो, टाइटल डीड्स अगर कंपनी के नाम पे नहीं है ना तो क्या बताना है मेरे को, डिस्क्रिप्शन बताना है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बताना है, किसके नाम पे है वो टाइटल डीड वो बताना है, रीजन क्या है कंपनी के नाम पे नहीं होने का वो बताना है, और होल्डिंग पीरियड बताना है। ठीक है, उसके बाद सर रिवैल्यूएशन हुआ है या नहीं पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स का वो बताना है, देखो सर हुआ है या नहीं हुआ है वो बताना है, रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा हुआ है या नहीं वो बताना है, आरवी माने के रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब सर समझो अगली बात इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए, अगर तो रिवैल्यूएशन हुआ है ना तो चेंज अमाउंट यानी रिवैल्यूएशन का अमाउंट अपने को क्या करना है सर बताना पड़ेगा, अगर तो वो चेंज 10% और मोर है ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि रिवैल्यूएशन हमको कब डिस्क्लोज करना है, अगर तो चेंज कितना है मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू। फिर अगला हमको बताना है कि क्या कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुए हैं यानी कि चालू हुए हैं या पेंडिंग है यानी कि उधर चल रहे हैं बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में, अगर तो ऐसा कोई है ना सर प्रोसीडिंग्स तो हमको देखना है कि क्या वो डिस्क्लोज किया गया है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्लॉज। सर सेकंड क्लॉज पे आते हैं फटाफट से, इन्वेंटरीज सेम चीज दर हमको देखनी है कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, क्या अगर डिस्क्रिपेंसी है मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ एग्रीगेट ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री में, यानी कि मेरे को ईच क्लास देखनी है इन्वेंट्री की और उसमें देखना है कि क्या डिस्क्रिपेंसी है क्या मोर देन इक्वल टू 10% की, अगर तो है तो हमको देखना है कि क्या उसको डील किया गया है क्या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला गया है क्या, लिखा गया है क्या। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एमसीक्यू के लिए आ सकती है सर, क्या है ये हमको देखना है कि एट एनी पॉइंट ऑफ ईयर यानी कि पूरे साल भर में कभी भी क्या कंपनी को सैंक्शन हुआ है वर्किंग कैपिटल ऑफ मोर देन 5 करोड़ फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि क्या कंपनी के करंट एसेट्स को गिरवी रख के, क्या कंपनी के करंट एसेट्स को गिरवी रख के कंपनी ने वर्किंग कैपिटल ऑफ मोर देन 5 करोड़ उठाया है या नहीं उठाया है। ठीक है, अगली बात सर, क्वार्टरली रिटर्न्स जो कि कंपनी ने फाइल किए हैं बैंक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वो हमको देखना है कि वो एग्रीमेंट में है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, यानी कि जो डिटेल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वही डिटेल्स हमारे क्वार्टरली रिटर्न्स में होनी चाहिए, और अगर तो नहीं है ना तो उसकी डिटेल्स हमको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी हमारी कारो रिपोर्ट में। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड मैच विद क्वार्टरली रिटर्न्स। ठीक है, तीसरे क्लॉज पे आ जाते हैं सर, देख लीजिए, हमें देखना है कि क्या कंपनी ने दूसरी कंपनी को या किसी फर्म LLP को या तो कोई अदर पार्टी को इन्वेस्टमेंट दिया है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दिया है, या तो फिर लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, अगर तो कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है, यानी कि अगर कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है तो ये इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन उसके लिए कोई स्पेशल बात नहीं है और डिस्क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर तो कंपनी का बिजनेस कुछ और है, मान लो कंपनी का कपड़े का धंधा है ना, तो कपड़े के धंधे वालों को तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि वो उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, अगली बात क्या है ना, इसमें जो भी मेरा टोटल अमाउंट मैंने दिया है और मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है बैलेंस शीट की डेट पे साज को और अदर पार्टीज को, वो मेरे को बताना है।
सर टोटल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस किस चीज का? सर ये इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन इस चीज का, साज को मेरे को डिस्क्लोज करना है और अदर पार्टीज का मेरे को डिस्क्लोज करना है। सर साज यानी कि सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स, यानी कितना अमाउंट है टोटल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कि मैंने दिया है ये वाले रूप में इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन के रूप में साज को और अदर पार्टी को, ये मेरे को क्या डिस्क्लोज करना है मेरे अपने कारो रिपोर्ट में, ठीक है। अगली बात जो कि मेरे को डिस्क्लोज करनी है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन्स एंड एडवांसेस जो है ना इज नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि वो हार्मफुल नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो टर्म्स है ना वो सेफ है, वो कंपनी के नुकसान वाले नहीं है टर्म्स, यानी कंपनी को वो नुकसान नहीं दे रहे, ठीक है, वो मेरे को डिस्क्लोज करना है। अगली बात मेरे को ये देखना है कि जो रीपेमेंट है ना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का वो रेगुलर है, यानी कंपनी ने क्या किया है ना, सर लोन तो दे दिया है, कंपनी ने लोन तो दे दिया है, लेकिन देखना है कि क्या रेगुलरली उसका रीपेमेंट अपने को आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट मेरे को देखना है कि अगर तो अमाउंट ओवर ड्यू है ना फॉर मोर देन 90 डेज तो वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि अगर तो 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हमको पैसा नहीं आया, यानी कंपनी ने लोन दिया है और 90 दिन से ज्यादा में रीपेमेंट नहीं आया ना, तो देखना है कि क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं क्या कंपनी ने उसके लोन की रिकवरी करने के लिए और इंटरेस्ट की रिकवरी करने के लिए, ठीक है। अगली बात देख लो सर, लोन सर एडवांसेस जो कि रिन्यू हुआ है, एक्सटेंड हुआ है या तो कोई फ्रेश लोन दिया है टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन ऑफ सेम पार्टी, यानी कि मिस्टर एक्स का पुराना लोन था, वो पुराने लोन को मैंने रिन्यू करा है, या तो उस लोन का मैंने टाइम पीरियड बढ़ाया है, मान लो एक साल मैंने लोन के रिपेमेंट का टाइम पीरियड बढ़ाया है, या तो मैंने उसको कोई फ्रेश लोन दिया है ना। क्यों सर? क्योंकि उसका पुराना कोई लोन हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में हमको क्या स्पेसिफाई करना है ना, उस लोन का अमाउंट स्पेसिफाई करना है, यानी कितना रिन्यू किया, कितना एक्सटेंड किया, कितना फ्रेश लोन है वो अमाउंट बताना है, और कितना परसेंटेज है वो टू टोटल लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड वो मेरे को बताना है, ठीक है। अगली बात पे आ जाओ, कंपनी ने अगर तो कोई ग्रांट किया है ना लोन जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, यानी कंपनी जब चाहे उसका रीपेमेंट डिमांड कर सकती है, यानी कंपनी जब चाहे बोलेगी कि मेरे को लोन वापस कर दो, ठीक है, या तो कोई लोन है जो कि टर्म्स और कंडीशंस के बिना दिया गया है या उसमें कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ऐसे सारे लोन में क्या स्पेसिफाई करना है हमको कारो की रिपोर्ट में, अमाउंट बताना है, परसेंटेज बताना है टोटल लोन्स का, और एग्रीगेट अमाउंट जो कि हमने दिया है लोन का किसको, सर रिलेटेड पार्टीज को और प्रमोटर्स को, पीआर माने प्रमोटर्स, आरपी मतलब कि रिलेटेड पार्टीज, क्यों, क्योंकि ऐसे सारे जो टर्म्स है ना बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के वो लोन किसको दिए जाते हैं, जनरली रिलेटेड पार्टीज को, तो वो हमको अमाउंट बताना पड़ेगा, ठीक है। चौथा क्लॉज ये है कि हमको देखना है कि क्या इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन्स एंड एडवांसेस आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और अगर नहीं तो हमको डिटेल्स देनी पड़ेगी उसकी। अगली बात सुन लो सर, जो भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं कंपनी ने या तो जो भी डीम्ड डिपॉजिट्स है ना उसके लिए डीपीओ चेक करना है। सर डीपीओ यानी कि आरबीआई के डायरेक्टिव्स, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस और एनसीएलटी के ऑर्डर्स कंप्लाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डीपीओ। अगली बात हमें देखना है कि सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। सर क्वेश्चन जो था ना क्वेश्चन उसमें ये स्पेशल पॉइंट था तो वो सर समझ लो, जनरल रिव्यू हमको करना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पॉइंट था तो सारे क्वेश्चन को भी हमने क्या कर दिया, इधर कवर कर दिया है। सर दो तरह के क्या होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, एक होता है यूएसडी, एक होता है डीएसडी, ठीक है सर। अगला क्लॉज, यूएसडी यानी कि अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज और डीएसडी यानी कि डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। यूएसडी यानी कि जिस पे झगड़े नहीं चल रहे और डीएसडी यानी कि जिस पे झगड़े चल रहे हैं। तो सर देखो जिस पे तो झगड़े चल रहे हैं ना, जो डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है ना उसका अमाउंट अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और कौन से कोर्ट में वो झगड़े पेंडिंग है वो बताना पड़ेगा, फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, ठीक है। और जो हमारे अनडिस्प्यूटेड है ना वो पहले तो हमको बताना पड़ेगा कि क्या कंपनी रेगुलरली डिपॉजिट कर रही है क्या वो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्स, टैक्स वो रेगुलरली जमा करवा रही है या नहीं करवा रही है, ठीक है। अगर तो वो नहीं करवा रही है ना तो ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 6 महीने से ज्यादा कितना अमाउंट पेंडिंग है वो हमको रिपोर्ट करना है, यानी कि कोई टैक्स है जो कि 6 महीना ड्यू हो गया है लेकिन 6 महीने से हमने भरा नहीं है, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन हमने वो टैक्स का पैसा भरा नहीं है, वो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज का पैसा भरा नहीं है वो हमको रिपोर्ट करना है। तो 6 महीने कब हमको देखना है, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी थी। और डिस्प्यूटेड में क्या बताना है, अमाउंट और वो कोर्ट जिधर वो केस पेंडिंग है। अगली बात सर, कंपनी क्या करती है ना अपने कुछ ट्रांजेक्शन छुपाती है, तो उसने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करे थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकिन वो डिस्क्लोज करने पड़े उसको इनकम के रूप में, क्योंकि टैक्स असेसमेंट में पकड़े गए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है। तो अगर तो हाँ भाई ऐसा कोई केस हुआ है ना तो हमको देखना है कि क्या प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि पहले आपने वो इनकम को क्या किया था सर, अनडिस्क्लोज्ड थी, आपने वो इनकम को छुपाया था, टैक्स असेसमेंट में पकड़ा गई है, तो हमको देखना है कि क्या प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगली बात सर, नाइन्थ क्लॉज, अगर तो कंपनी ने डिफॉल्ट किया है ना लोन रीपे करने में या तो फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करने में, तो हमको पीरियड बताना है डिफॉल्ट का और अमाउंट हमको बताना है। अगर तो ऐसा केस है तो पीरियड और अमाउंट बताना है। ये क्वेश्चन से चीज उठाई गई है, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। क्या सर, रीशेड्यूलमेंट होगा ना अगर लोन का, यानी कि लोन का टर्म्स कंडीशंस कुछ चेंज हुआ, कुछ टाइम पीरियड चेंज हुआ, तो भी हमको ये नाइन्थ क्लॉज में रिपोर्ट करना है।
ठीक है सर, फॉर्मेट बता देता हूँ आपको रिपोर्ट करने का। सर नेचर ऑफ बोरोइंग आपको लिखनी है, नेम ऑफ लेंडर लिखना है, अमाउंट अनपेड कितना है ऑन ड्यू डेट वो लिखना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना है वो लिखना है, डीले पीरियड हमको लिखना है और रिमार्क्स लिखने हैं। सर नेम ऑफ लेंडर में बात याद रखना, ये बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट है, हमको लेंडर वाइज डिटेल्स देनी है, टोटल एग्रीगेट में डिटेल्स नहीं देनी, एक एक लेंडर वाइज अपने डिटेल्स देनी है। उसके बाद क्या डिस्क्लोज करना है, क्या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है। सर विलफुल डिफॉल्टर यानी कि क्या कंपनी ने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है वो, ये हमको बताना है। अगली बात, टर्म लोन जो है ना हमको देखना है कि क्या वो अप्लाइड है ऑथोराइज्ड पर्पस के लिए, यानी कि जिस पर्पस के लिए हमने टर्म लोन उठाया था वही पर्पस के लिए उसका एप्लीकेशन हमने किया है, अगर तो नहीं किया है ना तो कितना अमाउंट का हमने डाइवर्जन किया और क्या पर्पस है जिसके लिए हमने वो टर्म लोन यूज किया है, यानी कि हमने गलत पर्पस के लिए यूज किया है तो कितना अमाउंट गलत पर्पस के लिए यूज किया और किस चीज के लिए हमने यूज किया है वो। फिर कोई फंड्स हैं जो मैंने रेज किए थे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, वो मेरे को देखना है कि क्या उसका मैंने यूज लॉन्ग टर्म बेसिस में तो नहीं कर दिया है। सर क्या बोल रहा हूँ समझो, ये जो फंड्स है ना सर वो मैंने यूज किसके लिए, वो मैंने उठाए किसके लिए थे सर, शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैंने फंड्स उठाए थे, मैंने देखना है कि क्या उसका लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया है, अगर ऐसा है तो नेचर भी बताना है उसका और मेरे को अमाउंट भी बताना है। अगली बात, मेरे को देखना है कि क्या कंपनी ने कुछ पैसे उठाए हैं क्या सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, उनकी लोन्स को, उनकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। क्या कंपनी ने कुछ लोन लिया है क्या अपनी साज की सिक्योरिटीज को गिरवी रख के, यानी कि साज के शेयर्स वगैरह को गिरवी रख के, साज यानी कि सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। फिर मेरे को देखना है कि क्या आईपीओ से, इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्दर पब्लिक ऑफर से जो कंपनी ने पैसा उठाया है वो मैंने अप्लाई किया है कि ऑथोराइज्ड पर्पस के लिए, यानी जिस पर्पस के लिए मैंने उसका वादा किया था ना कि मैं इस पर्पस के लिए यूज करूंगा, क्या उस पर्पस के लिए उसका सच में यूज किया गया है, अगर तो नहीं किया गया है ना, देखो क्रॉस मारे, क्रॉस मारे नहीं किया गया है ना, तो डिटेल्स दो किस पर्पस के लिए यूज किया है, डिफॉल्ट बताओ और सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन भी आपको बताना पड़ेगा कि मैंने फिर उसको कैसे रेक्टिफाई किया अपनी ये गलती को। अगली बात, क्या कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, अगर तो हाँ तो क्या वो पैसा मैंने ऑथोराइज्ड पर्पस के लिए यूज किया है, यानी कि जिस पर्पस के लिए मैंने बोला था ना कि ये यूज करूंगा मैं प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा, उस पर्पस के लिए मैंने यूज किया है सच में या नहीं किया है। 11वां क्लॉज, फ्रॉड अगर किया है ना बाय द कंपनी या ऑन द कंपनी, यानी कंपनी ने फ्रॉड किया है या कंपनी पे फ्रॉड किया गया है, अगर हाँ तो मेरे को नेचर बताओ और अमाउंट बताओ, ठीक है। अगली बात, रिपोर्ट जो है ना अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 वो फाइल किया है क्या ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म EDT 4 में। सर ये देख के कुछ याद आ रहा है, मैंने बोला हाँ सर कंपनी ऑडिट के सेकंड लेक्चर में मैंने आपको याद कराया था फ्रॉड का सेक्शन है 143(12), तो फ्रॉड माने 420 और 420 का 4 उठा के अपन ने याद किया था, EDT 4 फाइल किया है कि नहीं ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या ऑडिटर ने कंसिडर किया कोई WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल नहीं सर, विसल ब्लोअर कंप्लेन, यानी कि अगर एम्प्लॉय है ना उसने कोई कंपनी के रॉन्ग डूइंग बता दिया ना किसी को, उसको मैं बोलता हूँ विसल ब्लोअर कंप्लेन, यानी कंपनी के कोई गंदे कारनामे अगर बता दिए ना किसी एम्प्लॉय ने तो उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर कंप्लेन। तो ऑडिटर को अगर पता चला ऐसा विसल ब्लोअर कंप्लेन तो उसने कंसिडर किया है या नहीं किया है वो हमको देखना है। 12th क्लॉज इज अबाउट निधि कंपनी सर, सुन लो सर निधि कंपनी के बारे में क्या है ना सर, हमको देखना है कि निधि कंपनी का जो रेशियो है ना नेट ओन फंड्स इज टू डिपॉजिट रेशियो वो 1:20 है या नहीं टू मीट आउट इट्स लायबिलिटी। अगली बात, क्या निधि कंपनी ने 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स मेंटेन किए हैं या नहीं टू मीट आउट द लायबिलिटी। सर टर्म डिपॉजिट तो समझ आता है लेकिन अनएनकम्बर्ड क्या है, अनएनकम्बर्ड यानी कि फ्री, उसके जो टर्म डिपॉजिट्स है ना वो फ्री है, उस पर कोई कोलेटरल नहीं रखा गया है, यानी कि नॉट प्लेस्ड एज कोलेटरल, वो टर्म डिपॉजिट्स को मैंने कहीं कोलेटरल के रूप में नहीं दिया है, किसी भी चीज से बंधक नहीं बना है, वो फ्री वाले टर्म डिपॉजिट्स है, वो है सर अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स। तो ये एमसीक्यू में कुछ लिमिट्स आपको आ सकती है वो देख लेना। क्या निधि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है क्या ये डिपॉजिट का इंटरेस्ट देने में या तो फिर वो डिपॉजिट को रीपे करने में, वो है सर। 13th क्लॉज पे आ जाओ सर, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मेरे सेक्शन 177 और 188 को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिटेल्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैंने दी है या नहीं दी है। 14th क्लॉज सर, क्या कंपनी ने इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो मेंटेन करा है वो साइज और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से करा है, और क्या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर कर रहे हैं क्या हमारे स्टेचुटरी ऑडिटर, वो है हमारा 14th क्लॉज। सर 15th क्लॉज पे आ जाते हैं, क्या नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स और persons कनेक्टेड विद हिम, यानी कि डायरेक्टर्स के रिश्तेदार जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कंपनी कर रही है डायरेक्टर्स और उसके रिश्तेदार के साथ, क्या वो 192 सेक्शन को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये हमारा 15th क्लॉज। सर 16th क्लॉज पे आ जाते हैं, क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है क्या रजिस्ट्रेशन लेने की सेक्शन 45IA ऑफ RBI एक्ट 1934 में, और अगर तो हाँ तो क्या कंपनी ने सच में रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या कंपनी ने कंडक्ट किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, यानी कि अवैध तरीके से क्या कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कर रही है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बिना। अगली बात, क्या कंपनी सीआईसी है, सीआईसी बोले तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, और अगर तो हाँ तो क्या कंपनी का क्राइटेरिया मीट हो रहा है क्या सीआईसी का, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर तो कंपनी सीआईसी के रूल से एग्जेम्प्ट है या वो अनरजिस्टर्ड सीआईसी है तो क्या उसका क्राइटेरिया मीट हो रहा है क्या, ठीक है। अगली बात सर, जो ग्रुप होता है ना जिसमें कंपनी होती है, उस ग्रुप में बहुत सारी कंपनी होती है, तो हमको देखना है डज द ग्रुप टू विच द कंपनी बिलोंग्स हैज मोर देन वन सीआईसी, क्या उस ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है, और अगर तो हाँ तो कितनी सीआईसी है वो बताओ सर ग्रुप में। एक ग्रुप में बहुत सारी कंपनी तो उसमें एक से ज्यादा सीआईसी है, और अगर हाँ तो कितनी है वो आपको बताना पड़ेगा। सर 17 क्रॉस पे आ जाओ फटाफट से, क्या कंपनी ने कैश लॉस किया है क्या इस साल या तो फिर पिछले साल, देखो सर फाइनेंशियल ईयर में या तो फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर तो हाँ तो वो कैश लॉस का मेरे को अमाउंट जानना है। 18 क्लॉज सुन लो, क्या किसी स्टेचुटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है क्या सर, कोई स्टेचुटरी ऑडिटर इस्तीफा देकर चला गया है क्या, और अगर तो हाँ तो क्या ऑडिटर ने कंसिडर किया है क्या ऑब्जेक्शन कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर्स, यानी कि जो कंटिन्यूइंग ऑडिटर्स है ना जो कंटिन्यू कर रहे हैं उन लोगों ने कंसिडर किया क्या ऑब्जेक्शन कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर्स, जो जा रहे हैं ना उनके कुछ तकलीफों को कंसिडर किया गया या नहीं किया गया। 19th क्लॉज, क्या ऑडिटर के ओपिनियन में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि कंपनी लायबिलिटीज को मीट करेगी जो कि एक साल के अंदर अंदर कंपनी को आने वाली है, यानी कि ऑडिटर क्या ओपिनियन दे रहा है ना कि लायबिलिटीज मीट हो जाएगी, ऑडिटर बोल रहा है कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये हमको बताना है कि क्या ऑडिटर ऐसा बोल रहा है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है ही नहीं कि भैया कंपनी जो है ना अपने लायबिलिटीज को मीट कर लेगी अगले एक साल में, तो वो है सर क्या बोल रहा है ऑडिटर की लायबिलिटी मीट हो जाएगी, लायबिलिटी मीट हो जाएगी। सर 20th क्लॉज देख लो सर, दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होते हैं चालू प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं ऑनगोइंग, दूसरे होते हैं जो प्रोजेक्ट खत्म हो गए वो वाले प्रोजेक्ट। तो जब सर सीएसआर का पैसा है ना, सीएसआर का पैसा अगर तो वो अनस्पेंट, अभी मैंने खर्च नहीं किया है उसका, तो नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में वो मेरे को शेड्यूल 7 फंड में डाल देना है विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म होते ही 6 महीने के अंदर अंदर डाल देना है, तो वो मेरे को रिपोर्ट करना है कारों में कि मैंने डाला है या नहीं डाला है। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना तो वो बिना खर्च करा हुआ पैसा मेरे को स्पेशल अकाउंट में डालना है अंडर सेक्शन 135, तो फिर वो मेरे को इधर क्या कर देना है सर, डिस्क्लोज कर देना है। सर सेम है सर, कुछ नहीं, इधर खाली किस में डालना है, इधर शेड्यूल 7 फंड में डालना है और इधर स्पेशल अकाउंट में डालना है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सर 21st क्लॉज पे आ जाओ फटाफट से। सर देखो सर, जो मेरा कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ना उस पे तो कारो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जो मेरी सारी कंपनीज का इंडिविजुअली जो बनेगा ना, कंसो के अंदर जितनी भी है उसका सबका इंडिविजुअली जो बनेगा ना सर ये कारो रिपोर्ट, तो मेरे को बताने की क्वालिफिकेशंस और एडवर्स रिमार्क्स जो है ना इन कारो रिपोर्ट ऑफ कंपनी इन कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर तो हाँ ना सर तो मेरे को डिटेल्स बतानी है मेरी उन कंपनी की और कौन से पैरा नंबर ऑफ कारो रिपोर्ट में वो क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क दिया गया, यानी कारो को एप्लीकेबल, मतलब ये कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एप्लीकेबल नहीं है कारो, लेकिन उसमें जितनी भी कंपनीज है अगर उनमें कोई लोचा है ना सर, तो कारो रिपोर्ट के कौन से पैरा नंबर में वो क्वालिफिकेशन दिया है ऑडिटर ने, एडवर्स रिमार्क दिया है, नेगेटिव पॉइंट दिया, वो बताओ और उन कंपनी की डिटेल्स दो, ठीक है। सर अगला पॉइंट नहीं है, 21 क्लॉज हमारे खत्म हो गए सर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला जो कि मैंने मॉड्यूल में से उठाया, ये 10 पॉइंट आपको याद करना है, मॉड्यूल में बहुत पैराग्राफ में मिक्स किया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो 10 पॉइंट मैंने आपके लिए इधर किए हैं। सर सुन लो क्या है वो क्वेश्चन ऐसा है कि कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है बस 10% इन्वेंटरी का, लेकिन 70% का कंपनी बोल रहा है कि मैं अगले साल करूंगा। सर समझो ये रहा, कंपनी क्या बोल रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने किया है 30% वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी का, और वो बोल रहा है कि 70% का है ना मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, तो उसके लिए 10 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सर समझो क्या लिखना है आपको आंसर में, फिजिकल वेरिफिकेशन है ना हुआ है या नहीं हुआ है रीजनेबल इंटरवल पे, ये हमको देखना है और कारों में रिपोर्ट करना है। सर कवरेज कैसा है और फिजिकल वेरिफिकेशन का, और प्रोसीजर कैसा है फिजिकल वेरिफिकेशन का, अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये भी ऑडिटर की जिम्मेदारी है, वो उसको बताना है। सर तीसरा पॉइंट, पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ इन्वेंटरी और लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी पे। सर पीरियोडिसिटी यानी कि कितने कितने समय में वो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, कितने कितने पीरियड के बाद होगा, वो डिपेंड कर रहा है उसके नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी पे, और ये पीरियोडिसिटी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा सर, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, नॉर्मली अगर प्रैक्टिकेबल हुआ ना सर तो सारे आइटम्स का फिजिकल वेरिफिकेशन वंस इन अ ईयर तो करना ही चाहिए, हर साल में एक बार तो करना ही चाहिए, तो ऑडिटर क्या करता है ना, एग्जामिन करता है एविडेंस और रिकॉर्ड्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। लेकिन यहां पे क्या हुआ है ना,
30% का ही फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। तो कारो का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ है, क्योंकि कारो चाहता है कि सारी की सारी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन हो, लेकिन इधर 30% का ही हुआ है। तो अभी ऑडिटर है ना पॉइंट आउट करेगा वो वाले एरियाज जिधर प्रोसीजर्स इनएडिक्वेट है और अनरीजनेबल है, और वो कंसिडर करेगा इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट करेगा अकॉर्डिंगली। तो सर 10 मैंने वन लाइनर पॉइंट्स में किया है आपके लिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया ना सर तो आपको ये छाप देने 10 पॉइंट, ठीक है? तो ये बढ़िया तरीके से आप कर लेना। कैसा लगा ये लेक्चर लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर कैसा लगा लेक्चर। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।